हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में ड्रैकुला सीरीज की दूसरी तीसरी कॉमिक्स, ड्रैकुला का अंत का छठवां और अंतिम भाग। ये शुभ काम मैंने किया है ड्रैकुला, अब तुम्हारी तबाही फैलाने के दिन खत्म हुए। रिटायरमेंट ले लो और अपने ताबूत में जाकर हमेशा के लिए सो जाओ, वरना तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखो, तुम्हारा दिल हमारे पास है और उसमें अमृत का अंश नहीं है। यह नष्ट हो सकता है और इसके नष्ट होते ही तुम भी नष्ट हो जाओगे। तुमने मुझसे गद्दारी की है गुण, तुमने ही नागराज को मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। अब मैं सिर्फ इंसानों को ही नहीं, तुम्हारी ऐसी आत्माओं को भी तड़पाऊंगा। अगर तुम सब दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते हो तो मेरा दिल मुझे दे दो। इससे बहस करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, समय क्यों खराब कर रहे हो नागराज? इसके दिल को नष्ट क्यों नहीं कर देते? क्योंकि इसके दिल को तभी नष्ट किया जा सकता है जब वह दिल ड्रैकुला के शरीर के अंदर हो। सिर्फ इसी स्थिति में दिल और ड्रैकुला का शरीर दोनों नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ड्रैकुला के शरीर में जाते ही इस दिल में रक्त के साथ साथ अमृत का संचार भी हो जाएगा, फिर यह दिल भी अमर हो जाएगा। तब इसको नष्ट कैसे करोगे? इसके लिए गुण हमारी मदद करने के लिए तैयार है। जैसे ही ड्रैकुला का दिल इसके शरीर में पहुंचेगा, गुण समय की रफ्तार को कम कर देगा और इसका रक्त इसके दिल तक पहुंचने से पहले ही वह एक क्रॉस को इसके दिल में घुसा देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो ड्रैकुला फिर कभी खत्म नहीं होगा। क्या खुसफुस कर रहे हो? अपने चारों तरफ मंडराते खतरे को देखो। मेरे एक इशारे पर पूरी दुनिया के इंसान देखते देखते प्रेतों में बदल जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि फिर मैं खून किसका पीऊंगा? और रही दिल की बात, तो वह तुमको देना ही पड़ेगा। ओ, इसके दिल ने तो एकाएक तेजी से धड़कना शुरू कर दिया है। मैं इसको ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूं। लो ड्रैकुला, पकड़ो अपना दिल और दफा हो जाओ। जो मैं चाहता था वही हो गया। तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैं समझ रहा था, उससे कहीं ज्यादा हो। क्योंकि एक बार मेरा दिल मेरे पास आ गया तो फिर मुझको किसी भी खतरे का डर नहीं। अरे, तूने मेरा दिल बीच में ही लपक लिया। एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत? ध्रुव ने एक आखिरी कोशिश तो की थी, लेकिन उसकी यह कोशिश काफी नहीं थी। आह, दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो तेरा सीना फाड़ कर तेरा दिल उसमें से बाहर निकाल लूंगा। ड्रैकुला का दिल उस शरीर में घुसते ही गुण ने अपना काम शुरू कर दिया। चारों तरफ समय धीमी गति से चलने लगा और गुण वह लकड़ी का क्रॉस लेकर तेजी से ड्रैकुला की तरफ लपका। लेकिन ड्रैकुला अपने स्थान से गायब हो चुका था। मुझे पता था तू अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करेगा गुण, इसलिए मैंने अपने हृदय को अपने शरीर में अंडा डालने के साथ अदृश्य होने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। जब तक तूने समय की रफ्तार को कम किया, तब तक मैं अदृश्य हो चुका था। तेरी चाल नाकामयाब रही गुण, गद्दार। गुण के होश खोते ही समय की गति सामान्य हो गई। तुम्हारा कहना सच हो गया ध्रुव, अब तो ड्रैकुला का हृदय भी अमृत पीकर अमर हो चुका है। अब दुनिया का विनाश रोकना बहुत मुश्किल है। नहीं नागराज, अभी भी बात नहीं बिगड़ी है। ये देखो, ग्रीस का मिनी स्प्रे, जिसको मोटरसाइकिल में डालने की वजह से मैं हमेशा अपनी यूटिलिटी बेल्ट में रखता हूँ। मैंने ड्रैकुला के हृदय पर इस स्प्रे द्वारा ग्रीस की एक परत चढ़ा दी है। अब कुछ देर तक इस परत के कारण उसके हृदय का संपर्क उसके रक्त से नहीं हो पाएगा। हमको इसी दौरान ड्रैकुला को इस क्रॉस से खत्म करना है। गुड वर्क ध्रुव, ये हमारे पास आखिरी मौका है। अपने अमृत पर गुमान कर रहे ड्रैकुला को अपने ऊपर होने वाली किसी भी हमले की कामयाब होने की फिक्र नहीं थी, इसलिए असावधानी में वह नागवार बचा नहीं पाया। और उसके जमीन पर गिरते ही नागराज और ध्रुव ने वह क्रॉस उसके सीने में घुसाने में एक पल भी नहीं गंवाया। अब तेरा अंत होगा ड्रैकुला, क्योंकि तेरा हृदय अभी अमर नहीं हो पाया है। अब अपने हृदय के साथ साथ तू भी खाक में मिल जाएगा। आह, मैं मर गया। मेरे दिल में क्रॉस घुस गया है। अरे तू रट, ये क्या ध्रुव, इस पर तो क्रॉस घुसने का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि क्रॉस मेरे दिल में नहीं धसा है। तुम इंसान ये समझते हो कि जहां पर तुम्हारा हृदय लगा होता है, हर शरीर में वहीं पर हृदय मौजूद होगा? अरे अकल के अंधों, ये भी तो सोचो कि जो वैम्पायर हृदय को शरीर से दूर रख सकता है, वह अपने शरीर में सीने के बजाय हृदय को कहीं और भी रख सकता है। मेरे शरीर में मेरा हृदय कहाँ पर है? पर यह तुम मरते दम तक भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत का वक्त कुछ ही पल दूर है। इन दोनों से दूर हट ड्रैकुला, मेरे वार चाहे तुझे मार ना पाए, लेकिन तुझे रोक कर तो रख ही सकते हैं। आह, थैंक्स लोरी। दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मेरी गर्दन किसी लोहे के शिकंजे में। उफ, ओह, मुझे मिल गया इसके हृदय को ढूंढने का तरीका। नागराज, लोरी, वेदाचार, फेसलेस, गुरुदेव, आप सभी ड्रैकुला पर अपनी भरपूर शक्ति से वार करें और बिना रुके करते रहें। इस समय कोई भी ध्रुव से सवाल पूछकर समय व्यर्थ करने के मूड में नहीं था। हमला तुरंत शुरू हो गया। इस तरह से हम ड्रैकुला को कुछ देर के लिए और रोक लेंगे, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? होगा नागराज, होगा। ड्रैकुला जितनी हमारी शक्तियों का प्रतिरोध करेगा, उसका दिल उतनी ही तेज गति से धड़केगा।
और सर्वशक्ति से युक्त तुम्हारे कान उस धड़कन को सुनकर ड्रैकुला के हृदय की को सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। और एक बार हमको सही स्थिति का पता लग जाए तो फिर हम ड्रैकुला के हृदय में क्रॉस घुसाकर उसको खत्म कर सकते हैं। मैं ड्रैकुला की धड़कन सुनने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं इतने शोर में वह धड़कन सुनाई देगी भी या नहीं। ड्रैकुला पर बिना रुके वारों की बरसात होती जा रही थी और उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मिल गया, मुझे इसके हृदय का पता मिल गया ध्रुव, उसका हृदय इसकी बाई जांघ में रखा हुआ है। फिर देर किस बात की है नागराज, अब तो इस क्रॉस को उठाकर इसके हृदय में घुसा देना है। ध्रुव का हाथ घूमा और इस बार ड्रैकुला का हृदय बच नहीं सका। क्रॉस ने हृदय को चीर कर रख दिया और इस बार ड्रैकुला सचमुच चीख उठा, तुम लोगों ने मेरे हृदय को कैसे ढूंढ निकाला? आह, कैसे पता चला तुमको उसकी स्थिति का? आह, और मेरा हृदय अमर क्यों नहीं हुआ? ड्रैकुला का शरीर एक बार फिर धूल में बदलता चला गया। दुनिया पर छाया आतंक खत्म हो चुका था, अब चारों तरफ शांति थी। तुम दोनों ने तो वाकई कमाल कर दिया ध्रुव और नागराज, पर ड्रैकुला के खत्म होने से नागपाशा को लगातार काटते यंत्र भी लुप्त हो गए हैं। नागपाशा फिर से वैम्पायर बन जाएगा, अब उसको तुरंत ठीक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ नागपाशा ही नहीं, महानगर में दर्जनों ऐसे इंसान है जो वैम्पायर के रूप में बदल गए, उनको भी सामान्य बनाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं बहुत देर से ये सोच रहा था कि जब भेड़िया वैम्पायर के काटने से वैम्पायर बन गया था तो फिर मैं ठीक कैसे हुआ। तब मुझको ध्यान आया कि वैम्पायर बनने के बाद जब मैं एंथनी से लड़ रहा था तो मैं कब्रिस्तान की जमीन में सुरंग बनाकर अंदर घुसा था और इस दौरान कब्रिस्तान की मानव अवशेषों से सनी मिट्टी मेरे मुंह में चली गई थी। मुझे पूरे यकीन है कि उस मिट्टी में मौजूद तत्वों ने ही मेरे शरीर में दौड़ रहे वैम्पायर तत्वों को नष्ट करके मुझे सामान्य बना दिया था। ऐसा हो सकता है नागराज, अब मैं पूरे महानगर में कब्रिस्तानों की मिट्टी को तिलिस्मी आंधी के जरिए बिखेर कर वैम्पायरों को सामान्य इंसान बना सकता हूँ। महानगर पर मंडराता एक दूसरा खतरा भी टल रहा है नागराज, ड्रैकुला के खत्म होने से फट पड़ने को तैयार वह ज्वालामुखी भी अब समुद्र में वापस समा रहा है। लेकिन लेकिन इस ज्वालामुखी का समुद्र में धंसना अब थम रहा है, पर क्यों? क्योंकि यह आवाज, क्योंकि ड्रैकुला अभी मरा नहीं है। मरते मरते ऐन वक्त पर वह मेरे हृदय में रक्त का संचार होने लगा और मैं फिर से जी उठा। अब मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूं, मेरा हृदय अमर है, मेरी शक्तियां अमर हैं, अब अमर है ड्रैकुला। उफ, अब तो वेदाचार और फेसलेस भी गुरुदेव तथा नागपाशा को लेकर जा चुके हैं तिलिस्मी आंधी की मदद से वैम्पायरों को ठीक करने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ हम तीन हैं इसका मुकाबला करने के लिए। ओह, इसके हृदय पर ग्रीस का असर अगर एक सेकंड के लिए भी और रहता तो यह मर चुका होता, लेकिन अब यह कभी नहीं मरेगा क्योंकि अब और कोई तरीका बचा ही नहीं है इसको मारने का। ओह, हवा तेज चलने लगी है, यह जरूर वेदाचारों द्वारा चलाई गई तिलिस्मी आंधी है। हवा में कब्रिस्तानों की धूल उड़ रही है और ये ड्रैकुला को भी थोड़ा बहुत परेशान कर रही है। अब अगर इस वक्त हमको ड्रैकुला को खत्म करने का एक तरीका भी बचा हुआ है, लेकिन उस तरीके को पूरा करने के लिए तुमको और लूरी को मिलकर काम करना पड़ेगा नागराज। ऐसा कौन सा तरीका भी बचा हुआ है ध्रुव? ध्रुव तेजी से अपनी योजना को लूरी तथा नागराज को समझाता चला गया और फिर लड़खड़ाते ड्रैकुला को लूरी के उस वार ने हवा में उठाकर ज्वालामुखी के मुहाने पर जा पटका। अब देर मत करो नागराज, वरना ड्रैकुला को संभलने का मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा ध्रुव, मैं अपने मानस रूप में बदल चुका हूँ, मुझे ड्रैकुला तक पहुंचने में एक पल भी नहीं लगेगा। ड्रैकुला अभी ठीक से अपने पैर जमा भी नहीं पाया था कि नागराज के वार ने उसको ज्वालामुखी के अंदर रवाना कर दिया। ड्रैकुला ने संभल कर ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन मानस नागराज ने उसको सफल नहीं होने दिया। वह ड्रैकुला के शरीर को तब तक ढकेलता चला गया जब तक दोनों लावे की नदी में गोता नहीं लगा गए। नागराज के मानस रूप को तो लावा छू भी नहीं सका, लेकिन ड्रैकुला का शरीर लंबे लावे की तपन से गलता चला गया और ड्रैकुला की गलते ही ज्वालामुखी एक बार फिर समुद्र तल की तरफ धंसने लगा। ज्वालामुखी समुद्र में समा रहा है, यानी नागराज सफल हो गया है, इस बार ड्रैकुला का अंत हो गया है। तुम एक बात भूल रहे हो ध्रुव, और वह ये कि ड्रैकुला अमर है। लावा उसको गलाएगा जरूर, लेकिन वो फिर से सामान्य रूप में आ जाएगा और ऐसा होते ही लावा फिर से उसको गला देगा, वह फिर बनेगा और फिर गल जाएगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक पृथ्वी के गर्भ में लावा मौजूद है। ड्रैकुला अब नष्ट हो चुका है नागराज। और फिर नागपाशा से तो वैम्पायरों के लक्षण लुप्त हो गए थे, लेकिन उसके ठीक होते ही गुरुदेव और नागपाशा न जाने कहाँ भाग खड़े हुए। उनको एक नए दिन पकड़ ही लेंगे वेदाचार। फिलहाल तो महानगर में वैम्पायर बने लोगों को सस करना आवश्यक था, यह अब तक का दुनिया पर छाने वाला शायद सबसे बड़ा संकट था ध्रुव और नागराज, जिसे तुम दोनों के अद्भुत दिमाग और शक्तियों ने आसानी से टाल दिया। ड्रैकुला अभी चाहे मरा ना हो, लेकिन वह मरे के बराबर ही है, यह शायद सच हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे अभी एक खतरे का झोंका आना बाकी है।
तुझे सही आभास हो रहा है लड़की, तुम लोगों ने मेरे शरीर को तो एक कभी ना खत्म होने वाले विनाश चक्र में फंसा दिया है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी आजाद है। अब मैं तलाश करूंगा शक्तिशाली शरीरों की और फिर मचाऊंगा दुनिया में कोलाहल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ड्रैकुला सीरीज की अगली कॉमिक्स कोलाहल में। तब तक के लिए धन्यवाद।